नमस्कार दोस्तों, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 4 सितंबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक संपूर्ण राशि बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्य भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 4 सितंबर 2022 दिन रविवार, आज की तिथि अष्टमी, आज का नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा 5:59 पर और सूर्य अस्त होगा 6:42 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है 9:10 से 10:14 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है 1:24 से 2:28 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर 1 और शुभ रंग है गुलाबी और नीला। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायक करेंगे। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पा जा सकती है। लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए आप निवेश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका ना दें। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। इस राशि के जातक आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना पसंद करेंगे। आज आपका खाली समय घर की सफाई में बीत सकता है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। जीवन का आनंद अपने लोगों के साथ लेकर चलने में है, यह बात आज आप स्पष्टता से समझ सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करना आपके जीवन साथी को नाराज कर सकता है। अगर सफर कर रहे हैं तो अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सामान के चोरी होने की संभावना अधिक है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव दे सकता है। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह में समय बिताना पसंद करेंगे। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों की अधिकता हो सकती है, मतलब आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जा सकते हैं। दान दक्षिणा भी संभव है और ध्यान साधना का आप अभ्यास भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं अपने जीवन साथी के साथ कान सुनी करने से बचें। इस तरह तू मैं करना बेकार के आरोपों और गैर जिम्मेदारियां वाद विवाद की वजह बन सकता है, जो दोनों को ही भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचा सकता है। किसी बड़े समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको ऐसी परियोजनाएं शुरू नहीं करनी चाहिए जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाए। आपके प्रिय का प्यारा बर्ताव आपको खास होने का अनुभव कराएगा। इन लवों का पूरा लुप्त लाभ उठाएं। उन लोगों पर नजर रखें जो आपको गलत राह पर ले जा सकते हैं या फिर ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेयक साबित हो सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बताएं आज दोस्तों के सहयोग से जरूरी काम पूरे होंगे। आज ऑफिस के काम में आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता जरूर मिलेगी। आज आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। कैरियर में तरक्की के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास आएगी। आज पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। छोटे बच्चों को आप पेन गिफ्ट करें, काम में सफलता मिलेगी।
सप्ताह में छुट्टी वाले दिन स्मार्टफोन स्क्रीन पर बॉस का नाम कौन देखना चाहता है, लेकिन इस बार आपके साथ यही हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई पुराने विवाद उपज सकते हैं, सावधान रहें। अपने नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए योग्य व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करें। रोमांटिक रिलेशन में लवर को कुछ कर दिखाने का मन करेगा, जीवन साथी पर विश्वास दिखाने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपनी वर्तमान भूमिका में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो नए रास्ते पर विचार करें, आर्थिक रूप से यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। व्यापार में आपके कुछ शत्रु आपके खिलाफ कोई नई साजिश रच सकते हैं, सावधान रहें। ऑफिशियल कार्य सफलतापूर्वक हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, आज का दिन आपके पराक्रम में वृद्धि का दिन रहेगा। दोस्तों से सुखद मुलाकात होगी और पुरानी रंजिशें दूर हो सकती हैं। अगर आप अपने प्रिय के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए हैं तो कुछ समय अलग रखें और उनके साथ लंबी बातचीत करें। जीवन साथी आपकी बनाई हुई डिश की तारीफ करेंगे। आज कोई दोस्त आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। छोटे उद्योग कर रहे लोग उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। जमीन जायदाद संबंधी डील होने की संभावना है। आपका कैरियर कमाल कर रहा है। आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों को फायदा प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, इनकम के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी सोच बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक मामलों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएं। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय अपनी अपेक्षाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार आएगा और आप अपने आप को पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे। कैरियर को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम आपके द्वारा उठाए जा सकते हैं। आज कार्य क्षेत्र में आपके काम करने का जोश और जज्बा गजब का रहेगा। सहकर्मी तथा कर्मचारी का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। इस समय किसी भी गैर कानूनी काम को करने से बचें, अन्यथा आप बुरी तरह फंस सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों जी आपके लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों आज आपके जीवन यानी आपके प्रेम संबंधों में अचानक नया मोड़ आ सकता है, जो आपके चलते समय के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि समय चलते ये परेशानी आपकी ही देन है। क्योंकि आपके प्रेम संबंधों के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को पता है जो आपसे अवगत है और आपके बारे में जानता है, इसलिए आप अपने प्रेम संबंधों को ज़्यादा उजागर ना करें और आप लोगों को ना बताएं, आपके आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस राशि के कुछ जातक आज कहीं घूमने जा सकते हैं और आपकी मुलाकात किसी अजनबी व्यक्ति से हो जिसके साथ आज का समय खुशनुमा रहेगा और यह दिन यादगार का दिन बन जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा देह दर्द हो सकता है, जैसे गर्दन पर, कमर में, दांत और पेट की समस्या उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा आप जितना हो सके दर्द को नज़रअंदाज करें, क्योंकि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको बताएं, आप व्यर्थ की चिंता ना करें और आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।